कहाँ सर कहाँ? आसाम हो गया, यूपी हो गया, आपका जी गुजरात हो गया, जी और आपका पंजाब हरिद्वार हो हो गया, गया, पंजाब हो गया। सर बैटरी भी मिल जाएगी? लिथियम बैटरी मिल जाएगी सर। अच्छा 95% प्रोडक्ट जो है सारे वारंटी में है हमारे पास ना सर, सारा अच्छा ब्रांडेड है तो कोई। मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए पूरा भाई, यहाँ ये जो गोदाम है ना भाई पूरा भरा हुआ है यहाँ से। कम बजट में भी हो जाएगा, उसके क्या लिए बात डीलर्स है। बन सकते हैं अपने, इसी अच्छा से अच्छा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए थोड़ा लेवल और बढ़ जाता है, सीएनएफ के लिए थोड़ा और टॉप हो जाता है, कस्टमर का ट्रांसपोर्ट बचता है सर। अच्छा वो कैसे बचेगा सर? जैसे देखिए हम कोई 4 ही रिक्शे वाला हम अगर ट्रक हुँ। मंगाते हैं तो हुँ। उसके अंदर हाफ फिटिंग में होंगे तो सर वो 10 भी चले जाते हैं। अच्छा हाँ तो इससे कस्टमर का ट्रांसपोर्ट बचता है। और दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं भाई, इस बार मैं आ गया हूँ भाई ई रिक्शा के बाजार में। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मेरे पीछे जो है आपको ई रिक्शा ही ई रिक्शा नजर आ जाएंगे। और एक चीज़ मैं गारंटी से कहता हूँ कि भाई आप जो है लखपति बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बस पूरी इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं बस आपको। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, 2024 के अंदर भाई अगर आपने पैसा नहीं कमाया ना तो फिर बेकार है यार। अगर आप खाली बैठो भाई तो बेकार है भाई, खाली मत बैठो, हमारे पास आ जाओ। और अगर आपने भाई बिजनेस के पर्पज़ से इस वीडियो को देखना है, ई रिक्शा के पर्पज़ से देखना है, अगर आपको सिंगल ई रिक्शा या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है या फिर डीलर बनना है ई रिक्शा का, भाई साहब आप सही वीडियो पर आए हैं। और मैं आज आपको ना एक ऐसे जगह पर लेके आया हूँ जहाँ पर भाई ई रिक्शा ही ई रिक्शा आपको नजर आ जाएंगी। पीछे से मेरी साइड से देखिए, यहां से आप स्टार्ट कर लीजिए। ये देखिए भाई अलग अलग कलर में अलग अलग मॉडल भाई ई रिक्शाओं का मिलने वाला है, किफायती दाम रहने वाला है, एकदम बेहतरीन क्वालिटी का ई रिक्शा आपको मिलने वाला है। और साइड में आ जाइए, यहां पर आप देखेंगे भाई लाइट भी जो है फॉग लाइट भी अलग अलग तरीके की मिल जाएगी भाई आपको। ये देखिए भाई इस टाइप की भी ले सकते हैं भाई। और एक रिक्शा और ये खड़ा है भाई, ये देखिए, और ऐसी क्वालिटी आपको ना यार कहीं पर भी देखने के नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी लेता हूं भाई। साथ में हमारे मनोज भाई भी हैं जो आपको भी ब्रीफ करेंगे कि किस टाइप से अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और 2024 में आप खुद मालिक बनना चाहते हैं भाई तो यहां पर आप आ जाइए और मनोज भाई ना आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ये गारंटी है। सर तो बताइए आज जो है ना आप यहां फैक्ट्री पर लेके आए हैं भाई, क्या दिखाना चाहें आप? सर ये ई रिक्शा का अपना सारा काम है तो सर वही अपने साथी मोटर्स पे, ठीक है, ये अपना क्या है कि प्लांट से सारे रेडी होके, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से रेडी होके तो सारे यहाँ पे अपना स्टॉक होता है और यहीं से आपकी लोडिंग वगैरह होती है। आप देख सकते हैं सारे ई रिक्शे जाने के लिए रेडी खड़े हुए हैं सर, ये अलग अलग ऑर्डर के हैं और अपने क्या है डेली बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है सर। अच्छा अच्छा, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं सर? ये वैसे सर ऑल ओवर पैन इंडिया जाते रहते हैं। हाँ कुछ लोकल के भी होते हैं, कुछ पैन इंडिया भी, हर एरिया पे। पैन इंडिया दो चार स्टेट के नाम तो बताइए सर, कहाँ सर? आसाम हो गया, यूपी हो गया, आपका गुजरात हो गया जी, और आपका हरिद्वार हो गया, पंजाब हो गया सर। जो लोग ना खाली बैठे हुए हैं अभी घर पर, ये सोच रहे हैं भाई मैं क्या बिजनेस करूं और एकदम से कहाँ से अच्छा पैसा जो है अच्छी अर्निंग कर लूं, उसके लिए क्या ई रिक्शा का बिजनेस बेस्ट रहेगा? हाँ सर बेस्ट रहेगा और ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है और इसके अंदर हाँ बहुत मिनिमम अमाउंट है, 4 पीस लेने पड़ते हैं। अच्छा। और सर मतलब ये बिजनेस ना एक लॉस वाला कोई बिजनेस नहीं है कि बंदा क्या है कि पैसे इन्वेस्ट कर दिया मैं लॉस में चला जाऊँगा, ऐसे नहीं, और कोई भी मतलब वेस्टेज नहीं है इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन चीज़ ये है सर। और इसके अंदर देखिए कुछ भी ई रिक्शे में ऐसा तो कोई पार्ट है नहीं कि जो ख़राब हो जाएगा, और अगर हम किसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना तो आपका मिनिमम है कि आप इन्वेस्टमेंट तो आपकी निकल ही जाएगी सर, और मार्जिन भी होता है जब भी इतनी डेली बेसिस पे काम खुल रहा है और सर हम भी डेली बेसिस पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। अब इतना स्टॉक भी रेडी खड़ा हुआ है आपको पता ही है, आज तो एक फैक्ट्री पे लेके आऊँ सर, हमारी 6 फैक्ट्री हैं बिल्कुल, तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्री पे। अच्छा, 6 फैक्ट्रियाँ हैं। हाँ सर स्टॉक की भी अभी एक और है और अपना मैन्युफैक्चरिंग अच्छा, सारी है यहाँ पर प्रॉपर आपका स्टॉक है। हाँ जी सर स्टॉक भी है और कुछ देखिए अच्छा, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप सारे रेडी खड़ा हुआ है सर। ये जो सामने आप देख रहे हैं तो मतलब ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये तो हाफ है आधे हैं, तो इसका ऊपर का पार्ट कहाँ गया? सर ये हाफ फिटिंग में होते हैं, जैसे दूर का कहीं जैसे समझ लीजिए आसाम जाना है माल तो कस्टमर को हमें फैसिलिटी बतानी पड़ती है ना, उसमें हाफ फिटिंग में कस्टमर का ट्रांसपोर्ट बचता है सर। अच्छा वो कैसे बचेगा सर? जैसे देखिए हम कोई 4 ही रिक्शे वाला हम अगर ट्रक मंगाते हैं तो उसके अंदर हाफ फिटिंग में होंगे तो सर वो 10 भी चले जाते हैं। अच्छा हाँ तो इससे कस्टमर का ट्रांसपोर्ट बचता है और उसका मार्जिन भी बढ़ जाता है, वरना अच्छा। क्या है कि ट्रांसपोर्ट में ही सारा पैसा चला जाएगा जी, जी। तो इसलिए हाफ फिटिंग में करके इस तरीके से अपना सारा चला जाता है सर। अच्छा, अच्छा। और बाद में कुछ नहीं है, 7-8 नट कसने होते हैं पूरी फिटिंग हो जाती है सर, प्रॉपर फिटिंग करके दे देते हैं। हाँ जी सर। अच्छा ये चीज़ें भी हैं भाई। हाँ जी तो दोस्तों अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर जो मटेरियल्स है वो यहाँ पर मिल जाएगा, तो सर क्या टेस्टेड करके रखा है? हाँ सर टेस्टेड होता है और प्लस क्या है लास्ट में भी हमारा एक बार ही टेस्ट होता है। अच्छा। जब गाड़ी में चढ़ना होता है ना उस टाइम पे भी टेस्ट करके प्रॉपर कोई भी चीज़ स्मूथली वर्क कर रही है नहीं कर रही, सारी चीज़ें प्रॉपर देख के फिर उसके बाद ही लोडिंग कराते हैं सर। अच्छा, तो कभी इसमें जो है बैटरी रखी गई है अभी? अभी बैटरी नहीं रखी हुई सर, लास्ट टाइम पे बिल्कुल जब होता है फिटिंग वगैरह जब जाना होता है जब एक बार ही चेक करते हैं सर। अच्छा, तो और डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई कस्टमर मांगता है कोई नहीं मांगता तो बैटरी अलग से भी हम प्रोवाइड करा देते हैं उनको, वो बाद में अपने यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं सर। अच्छा वो आपसे बात डील करके हो जाती है? हाँ बट ये हम चेक करके भेजते हैं सारा प्रॉपर तरीके से ना। अच्छा अच्छा हाँ तो आइए दोस्तों आगे भी दिखा देते हैं भाई। ये देखिए सर ने जो है किस तरीके से जो मटेरियल्स है वो लगाया है।
सर जैसे मान लीजिए अभी तो आप जैसे बता रहे कि डीलरशिप लेकर के बहुत ज्यादा जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा, हाँ जी, पैसे कमा सकते हैं आसानी से। हाँ जी सर, मान लीजिए किसी को एक रिक्शा लेना है तो क्या आप उसको प्रोवाइड करा देंगे? सर हो जाएगा प्रोवाइड उसका, जैसे कि आपने मिनिमम स्टार्ट सर जो है 135,000 से स्टार्ट होता है, ये कस्टमर का रेट बता रहा हूँ सर, मैं डीलर वाला नहीं है, डीलर का अलग होता है उसके लिए। तो सर आप जो जो लोग देख रहे हैं हमें से डीलर बनना चाहते हैं उसके लिए तो आप व्हाट्सएप करिए, आपको जब वहाँ पे आप सारी डिटेल्स बता देंगे। एक कस्टमर रेट होता है सर नॉर्मल। अच्छा, अच्छा, हाँ जी सर, जैसे गार्बेज बनवाना है सब सब बन जाएगा सर, कुछ भी जो भी बनवाना हो, फूड कार्ड, ई कार्ड, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सर, कोई इशू नहीं आता, जो भी बनवाएंगे आप सब बन जाएगा सर। कस्टमाइजेशन हो जाएगा? कस्टमाइजेशन सब हो जाते हैं लोडर्स में भी सब में। अच्छा, हाँ जी सर। अच्छा, तो सर जैसे कि दिखा पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो आप देख पाएंगे कि काफ़ी सारे जो ऑप्शन हैं वो ई रिक्शा में आपको नजर आ जाएंगे, ये देखिए, और प्रॉपर भाई ये देखिए सारा माल जो है भरा पड़ा है और ये भाई रेडी। तो सर ये कहीं जा रहा है कि माल ये? हाँ सर ये डेली बेसिस पे जाता रहता है माल। अच्छा, तो सर अच्छा, अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का है सर ये, अब जैसे पंजाब जा रहा है माल तो ऐसे ही जाता रहता है। अच्छा, सर ये माल सब तो पंजाब का खड़ा। हाँ जी सर। अच्छा ये डिस्पैच हो जाएगा? अच्छा अच्छा, नाइट में गाड़ी लगती है सर जब सारे लोडिंग हो जाते हैं। अच्छा, सर लोडिंग हो जाती है तब होती है बाद में। ये सर देखिए जैसे अलग अलग रखे हुए हैं ना ये। अच्छा, जैसे ये रूफ कैरियर भी अलग? हाँ रूफ कैरियर रखे हुए हैं, पीछे भी आपका रूफ कैरियर रखा हुआ है, सब ओपन है। हाँ। तो जैसे कस्टमर मांगता है, देखिए इधर भी आप देखिए हांडे वगैरह रखे हुए हैं ना। अच्छा, ऐसे ये लूज में चले जाते हैं, ये उन्हीं पीसेस के हैं। अच्छा, तो फिर ये वहाँ पे जाके अपना फिक्स कर लेते हैं। ये मिरर रखे हुए हैं राइट में अपने। इसमें सर ट्रांसपोर्टेशन की वो बच जाता है उनको, पैसा जो होता है ना सर। ट्रांसपोर्टेशन का? हाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफी फर्क आ जाता है। किस टाइप से बचता है ये नहीं समझाया सर? ये है ना देखिए, जिस रिक्शे जिसमें आपका जो ट्रक है उस जिसके अंदर चार जाने हैं खाली, उसके अंदर आपके 10 चले जाएंगे जी। सर चार जाने हैं उसके अंदर आपके 10 चले गए तो ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ेगा। कोई 60,000 रुपए का है जिसमें चार, तो उसके 15,000 बैठा और 60 में फिर वो 6,000 रुपए बैठा। इस टाइप से जैसे आप भेजते हैं तो कोई रिक्शा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं सर कोई इशू नहीं आता, डेली बेस पे जाता है, कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी करना का प्रॉब्लम आएगी तो कैसे काम कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो सर डेली बेस का काम है, कोई इशू नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, अब दोस्तों एक बार और बात कर लेते हैं सर से कि भाई जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं भाई, अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो क्या सर डीलरशिप ले सकते हैं हमारे भाई? हाँ सर क्यों नहीं ले सकते, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सीएनएफ ले सकते हैं, सीएनएफ भी ले सकते हैं भाई, सब कुछ मिल जाएगा, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। डिपेंड ऑन सर बजट है, जो भी डीलर बनना अच्छा, चाहता अच्छा, है बजट के ऊपर, बजट अगर कम बजट है तो कम बजट में भी हो जाएगा। हाँ कम बजट में भी हो जाएगा, उसके लिए डीलर्स बन सकते हैं अपने। इसी से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए थोड़ा लेवल और बढ़ जाता है, सीएनएफ के लिए थोड़ा और टॉप हो जाता है। सर डीलरशिप बनने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत है कुछ? नहीं सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा, कुछ नॉलेज सेल्स वेल्स की? नहीं सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस छोटी सी रिक्वायरमेंट है, एक अपने पास 100 गज का स्पेस होना चाहिए बस सर, और एक जीएसटी नंबर होना चाहिए और मिनिमम फंड 5,00,000 रुपीज होना चाहिए। स्टार्टिंग कर सकते हैं और अपना मार्जिन अर्न करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि मनोज सर ने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बस मैं एक टूर थोड़ा सा आपको करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए भाई यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर में जो है आपको ई रिक्शा मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैट ग्रीन जो आर्मी कलर होता है वो मिल जाएगा, रेड कलर मिल जाएगा, और यहाँ पर आप श्यान कलर आप देख सकते हैं, सॉरी जो स्काई ब्लू कलर है वो मिल जाएगा, यहाँ पर ब्लैक कलर आप देख सकते हैं। तो अलग अलग कलर में दोस्तों यहाँ पर सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सब कलर यहाँ पर मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एलोइज में है, ये वाला एलोइज में है, ये वाला सिंपल जो रिम है उसमें दिया जा रहा है। सेम ऐसे ही आप अगर आपके यहाँ जैसी डिमांड है ई रिक्शा की, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप ई रिक्शा जो है परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि जो भी आप ई रिक्शा परचेज़ करते हैं यहाँ पर सर्विस वगैरह, वो आपको सब चीज़ें जो है कंपनी की तरफ से जो जो सुविधा होंगी वो सब कुछ आपको दे दी जाती हैं। और जैसे कि दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये आप देखिए भाई प्रॉपर मटेरियल्स यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए पूरा भाई, यहाँ ये जो गोदाम है ना भाई पूरा भरा हुआ है, यहाँ से ही माल जो है रेडी करके यहाँ रखा जाता है, उसके बाद जहाँ से भी ज़रूरत होती है वहाँ दिया जाता है। जैसे कि ये जो मटेरियल है पंजाब जा रहा है, कोई ईवी भारत के नाम से कोई शोरूम होगा वहाँ पर जा रहा है, और उन्होंने क्या काम किया है ये सारे ई रिक्शा ये देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर में है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ऑरेंज में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर में है, और ऐसे ही ये ग्रे कलर में है, ये ऑरेंज कलर में है। तो जिन पर ये बना करके लिखा गया है भाई, ये सब जो है डिस्पैच कर दिया जाएगा, ये सभी जो है एक गाड़ी में लोड हो जाएंगे। तो जैसे कि सर ने बताया कि भाई 10 गाड़ी जा रही है तो उसमें जो है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है भाई वो कम हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप असम से हैं, बंगाल से हैं, या फिर आप उत्तराखंड से हैं, पंजाब से, हरियाणा से, पैन इंडिया कहीं से भी हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आप दिखा देते हैं तो उसमें जो है आपको कुछ ना कुछ जो ऑफ़र कंपनी की तरफ से चलते रहते हैं बम्पर ऑफ़र, वो आपको मिल जाते हैं। बस वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही
ही रहता है, क्योंकि दोस्तों मैं नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ, नई नई वीडियो ई रिक्शा की जो है आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। सो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि दोस्तों मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों हमेशा याद रखना, ई रिक्शा में बैटरी बहुत ज़रूरी होती है, बैटरी के साथ साथ में ई रिक्शा की जो क्वालिटी है, जो मजबूती है, वह भी भाई ज़रूरी है। इसलिए आप किसी भी कंपनी का ई रिक्शा खरीदें, लेकिन भाई दोनों चीज़ अच्छी खरीद लेना। यहाँ पर आपको मैं जैसे दिखा रहा हूँ, ये डबल चेसी में है, ये डबल चेसी में है, ये भी डबल, सारे जो हैं डबल चेसी में मिलने वाले हैं, ये देख सकते हैं। और जो मनोज सर हैं, एक बार और पूछ लेते हैं मनोज सर से कि भाई क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा। सर क्वालिटी एक बार मुझे सर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सबकी वारंटी है आपके पास। 95% प्रोडक्ट जो है सारे वारंटी में है हमारे पास ना सर। अच्छा। सारा ब्रांडेड है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिससे कस्टमर परेशान होता रहे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे कि सर मोटर की बात आती है कि मोटर जो है किस कंपनी की है? सर मोटर आपकी सीवाई की भी है, 999 की भी है, टिश्यू की भी है, और 1200 वाट की मोटर यूज़ करते हैं। बट एक्स्ट्रा एड ऑन भी है, कभी कोई कोई कस्टमर 3500-1500 वाट चाहता है। अच्छा। तो वो भी हो जाएगी। लिथियम बैटरी भी मिल जाएगी? लिथियम बैटरी मिल जाएगी सर। अच्छा अच्छा। तो सर के पास भाई ये देख पा रहे हैं कि भाई लिथियम बैटरी में भी ई रिक्शा मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, और चलते हुए मैं एक बार दोस्तों एक बार ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पर ई रिक्शाओं की। ये आप देखिए भाई, अलग अलग जो है आपको ई रिक्शा मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें लाइट नहीं है, पुराना मॉडल हो गया, ये न्यू मॉडल है एकदम। ये इस टाइप से आप देख सकते हैं, जैसे ये सिंह मोटर का है जाएगा। तो भाई ये इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे कि जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। और लोडर की क्वालिटी ये देखिए भाई, ये यहाँ पर लोडर लगाए गए हैं, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। तो अलग अलग कलर ऑप्शन दोस्तों मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।